जारी अमल में आ गई है? जी बिल्कुल, डॉक्टर मुजाहिद कामरान पर जो है बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तियों का इल्जाम था, जिसकी बुनियाद पर पहले भी जो है प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद कामरान को तलब किया गया था और उन्होंने यूनिवर्सिटी में खिलाफ ज़ाब्तियां जो है वो भर्तियां का भी की थी। मुजाहिद कामरान ने अपनी अहलिया को गैर कौमी तौर पर लॉ कॉलेज में प्रिंसिपल भी जो है तैनात किया था, जबकि मेरिट पर आने वाले उन अफराद को तैनात नहीं किया था और 550 से ज्यादा अफराद को भर्ती मुबैना तौर पर गलत गैर कानूनी तौर पर जो है भर्ती करने का इन पर इल्जाम था, जिसकी बुनियाद पर जो है प्रोफेसर डॉक्टर मुजाहिद कामरान को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर मुजाहिद कामरान पर यह भी इल्जाम था कि उन्होंने सरकारी जो पंजाब यूनिवर्सिटी जमीन थी उसका गलत इस्तेमाल किया और मनपसंद अफराद को वहां पर ठेके भी दिए और उसके साथ साथ जो है वो जो हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी उसमें भी जो है बेज़ाब्तियों का मामला सामने आ रहा था, जिस पर जो है गुज़श्ता दौरे हुकूमत की में भी जो है ये मामला सामने रखा गया, लेकिन अब नैब ने इन पर जो है तहकीकात का दायरा कर वसी करते हुए इनको गुज़श्ता रोज भी जो है तलब किया गया था और कुछ रोज पहले भी इनसे जवाब मांगे गए थे। ठीक है, तहकीकात का दायरा कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। शुक्रिया हसन रजा, आपने अपडेट किया।